नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से शरीर पे नया कपड़ा पहनाता था, पर ईद वीद की समझ ना थी, पर फिर भी मेरे साथ मनाता था। घर में खाने के वादे थे, पर एफडी में पैसे जोड़ रहा था। उसके खुद के सपने अधूरे थे, पर मेरे लिए गूंज रहा था, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोए हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा, पर तब भी सब अनजान था, मैं फिर भी उसकी जान था। बिस्तर को गीला करना हो या फिर रातों को रोना, एक बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह फजर तो गोदों में खिलाता, झूलों में हिलाता, फिर दिन में कमाता, शाम में जलाता, फिर खुद से परेशान और दुनिया का सताया था, एक बाप ही था जिससे मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हूं कि कल वो मुझे किस तरह पढ़ रहा था। अब्बा तो छोड़ो यार, अभी आ भी निकलना था, पर वो मेरे हर फरमाइशों को पूरा कर रहा था और मैं भी उसके लाड प्यार में अब ढलने लगा था। घर से वो निकल ना जाए, अभी उसके कदमों पे नजर रखने लगा था, और मुद्दे तो हजार थे बाजार में उसके पास, पर कब घड़ जाएगा सूरज उसको इसका इंतजार था, और मैं भी दरवाजे की चौखट को ताकता रहता था। होती थी दस्तक तो मौकर से झांकता रहता था, जो भी इशारे मुझे आते थे अपने उसे करीब बुलाता था, सब छोड़ छाड़ के सब कुछ अपने उसे करीब बुलाता था। मेरी मुस्कान के लिए कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता था, और सो सुकून रात भर सुकून के साथ इसने पूरी रात एक करवट में गुजारता था, इसीलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था। पर वो बचपन शायद अब सो चुका था, और मैं जवानी की दहलीज पे कदम रखने लगा था, उसकी कुर्बानी को उसका फर्ज समझने लगा था। चाहे वो ईद का पुराना कपड़ा पहनना हो या मुझे नवा पहनाना, या फिर वो बिना पंखे की सोना हो या मुझे हवा में सुनाना, या फिर वो तपते हुए बुखार के ठंडे हुए माथे पे रगी हुई पट्टियां हो या फिर मेरे हर जिद के आगे झुक जाना। वो बचपन था वो गुजर गया, वो रिश्ता था वो सिकुड़ गया, और मैं उस कुर्बानी को बोझ को उठा नहीं पाया, इसलिए वो शहर में कहीं दूर छोड़ा है। नया शहर था, नए शहर की हवा मुझ में चढ़ने लगी थी, मेरे बाप की हर नसीहत मुझे एक बचपना लगने लगी थी। काम जो मिल गया था, पैसा जो आने लगा था, क्या जरूरत है अपने बाप को, ये सोच मुझ में पड़ने लगी थी। और उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में, कुछ घर रोज तो आजा बेटा, बस यही था उसकी फरियाद में, और मैं उसे हिसाब लेने लगा था तो दुनिया का कर्जदार बन चुका था। क्या जरूरत है अबू इतने पैसे की, अब यह सवाल करने लगा था। अब घड़ी का कांटा फिर पलट चुका था, कल तक मैं किसी का बेटा था, आज किसी का बाप बन चुका था, और हसरतों का स्वेटर मैं भी बुनने लगा था। कल क्या करेगा मेरा बेटा, मैं भी वही सोचने लगा था। अब दुनिया में ना कोई आगे था, सब पराया था, तब वही एक सपना था, तब मुझमें एक जज्बात उभरने लगा था, जिस जज्बात से मैं हमेशा अनजान था कि कल क्या गुजरी होगी मेरे बाप पे, अब मुझे ये समझ आने लगा था। भाई लोग, बेरोज मोहब्बत की मूरत होता है बाप, जो लफ्जों में ना बुना जाए और कलमों से जो ना लिखा जाए वो होता है बाप, जो रोते हुए को हंसा दे और खुद को माजूर बना के तुम्हें खड़ा कर दे वो होता है बाप। और एक मैसेज पूरी आवाम के लिए कि एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे उम्र दराज वो होगा, एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे उम्र दराज वो होगा, जिसके उंगली का सहारा पकड़ के चला करते थे आज वही छड़ी का तलबगार होगा, और जिसके सत्वे में जी रहे हो आज कल वो ना रहे तो क्या होगा, कल वो ना रहे तो क्या होगा। इसलिए कुछ वक्त बचा है तुम्हारे खास, तब तक जब तक बाप का साया तुम्हारे पास होगा, और जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि वही कल जन्नत का सरदार होगा। सब गीले शिकवे मिटा के चिपक जाना उसको, क्योंकि आज तो बाप है, कल वो तुम्हारे साथ ना होगा, कल वो तुम्हारे साथ ना होगा। और मैं इस नज्म को नाम रख नहीं पाया, क्योंकि मैं एक बाप को एक लफ्ज में बता नहीं पाया। थैंक यू। और ये नज्म है वो लिखी हुए मोहब्बत मुबश्शिर में, और मैं विवेक दुसाने।
थैंक यू।